नमस्ते नोम शांति, आप सब श्रोताओं को आपको फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पर सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और आज के इस वरदान में 207वें दिन के वरदान में आगे जाने से पहले आप जा करके, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस पर लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, जहाँ पर आप जा करके केवल सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं लेकिन वहाँ पर जा करके योग आसन, डाइट प्लान और साथ साथ सोने की कला और रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ हैं। 300 से 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं, कुछ ऑडियोज़ भी हैं। तो आज के इस वरदान में आगे बढ़ें। और हाँ, भूलिएगा ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप और के साथ जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं उसमें, मैं चेक कर लूँगा उनको। तो परमात्मा आज क्या कहते हैं देखें जरा इस वरदान में। बाबा कहते हैं अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, शिक्षा का स्वरूप होता है, सिर्फ बोलना नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा शेयर कर रहा हूँ लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरे सिर्फ बोल अच्छे हैं लेकिन मेरे एक्शंस अच्छे नहीं हैं, तो फिर उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो स्पिरिचुअलिटी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भवा। सो हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक कैसे बने। जो टीचर्स इसको सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो अपने जीवन में आध्यात्म में है औरों को सिखाने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। हर कोई हर प्रकार का टीचर इस जीवन में है ही है। तो परमात्मा कहते क्या है विस्तार में देखें, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। तो उनका जो स्वरूप होगा, सिर्फ वो बोलने वाले नहीं लेकिन उनके बोलने और देखने और सुनने और करने में, एक्शन में समानता होगी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। साकार रूप में हमने ब्रह्मा बाबा को, जो कि फाउंडर थे इसके, ब्रह्मा कुमारी इसके संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के, इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सिर्फ शिक्षा नहीं दी कि नम्रता कैसे हो, सिर्फ ये नहीं बोला कि सहनशीलता कैसे आपके जीवन में, सिर्फ ये नहीं सिखाया कि आपको कैसे मीठी मीठी बातें बोलनी है, ये भी सिखाया कि सहन कैसे करना है। छोटे उम्र वाले भी अगर आपके साथ कुछ कहें, बड़े उम्र वाले भी आपके साथ कुछ कहें, तो नम्रता में शांत स्वरूप होकर के, चुप होकर के कैसे आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, स्व की स्थिति बना करके आप औरों की शिक्षा दे सकते हो, सिर्फ बोल करके नहीं। तो पर वो हमें परमात्मा पिता की जो शिक्षाएं दी थी, जो ब्रह्मा बाबा ने भी सीखी, तो ब्रह्मा बाबा ने भी उन चीज़ों को फॉलो किया जो परमपिता परमात्मा निराकार ने सिखाया। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा शिक्षक, जो सिर्फ बोले ना। तो जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं, चरित्र कहें या कैरेक्टर कहें। तो एक व्यक्ति का चरित्र सिर्फ उसके बोलने से नहीं, उसके बोल और उसके सोच और उसके कर्म, सोच बोल और कर्म जब समान हो जाते हैं तब उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। आप उसी व्यक्ति को तो आप ट्रस्ट कर पाओगे, है ना, जो कि बोले कुछ, सोचे कुछ, करे कुछ, उसको तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, पहला क्वेश्चन। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, आध्यात्म हमें सिखाता है कि दूसरों के ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस अपने ऊपर करना है कि मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म कितने अलाइनमेंट में हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, क्या मैं वो करता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलो हम जीवन में कहते हैं कि हम ये सोचे, ये बोले, ये करे, हम फेल हो गए, लेकिन आध्यात्म की लाइन में तो कोई फेलियर है नहीं। सोच पवित्र रखी, बोल पवित्र रखे, कर्म पवित्र रखे, उसके बाद में जो आए रिजल्ट वो करने वाले के ऊपर है। मैंने अच्छा किया, मेरे मन में शांति, दूसरे वाले ने उसका रिएक्शन गलत लिया, गलत सोचा उस चीज़ के बारे में, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी अपवित्रता है, उसकी अशांति है। लेकिन करते करते शिक्षक होकर के अगर हम सोच बोल कर्म अगर हम एक समान कर दें तो इस दुनिया से भ्रष्टाचार हट जाए, इस दुनिया से गलत कर्म हट जाए, उसका एग्जाम्पल बनना बहुत ज़रूरी है, सैम्पल बनना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा उसी टाइप के टीचर को चाहते हैं। देखें आगे परमात्मा कहते हैं किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है। आजकल बहुत शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो तो पूरी दुनिया में, लेकिन आज इंसान ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सोचे एक, बोले एक और कर्म भी एक ही करे। एकता इसमें आ सकती है। हम बाहर एकता चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर ही एकता नहीं है अगर, तो फिर बाहर की एकता आ ही नहीं सकती, चाहे वो परिवार में एकता हो, चाहे वो किसी कार्य क्षेत्र में एकता हो, आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में, वो आ नहीं सकती जब तक हमारी सोच बोल और कर्म एक समान ना हो। अगर लीडर ही सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ, तो बाकी प्रजा क्या होगी, उसके फॉलोअर्स क्या होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है, जो कि सीईओ है, जो कि
मैनेजर है जो कि प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वही सोचे बोले करे कुछ और तो फिर उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, क्या उसको ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या उसके अनुसार कर पाएंगे, क्या उसको रिस्पेक्ट दे पाएंगे? तो ये सोचने की बातें हैं। तो शिक्षक कैसा बनना है हमें? सिर्फ बोलने वाला नहीं, पोस्ट पोजीशन मिल गई, पावर मिल गई, तो ये नहीं कि हम सोचे कुछ बोले कुछ करें कुछ और लोग स्टिल मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। दूर से करेंगे, बाहरी रूप से करेंगे, लेकिन सच्चाई से नहीं करेंगे। तो किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। आज हर कोई अनुभव चाहता है, मैं वही बात कर रहे थे ना कि हर कोई देखना चाहता है। जो तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से अनुभव करा कि आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, आप करके दिखाने वाले। और करके दिखाने वाले नहीं, मैं दिखाते रहता हूँ उनको करके, अहंकार वाले नहीं, नम्रता से। किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं। दूसरे भी देखेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे। जैसे कि हम परिवार में अपने पेरेंट्स को सबसे पहले कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर पेरेंट्स ही सोचें बोलें करें कुछ और, तो फिर बच्चे कैसे होंगे इस परिवार के? भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, वो पैदा ही वैसे होंगे। देखो मम्मी पापा ने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया लेकिन रखा नहीं है दूसरे के साथ में, तो फिर हम भी ऐसे करते हैं। यही तरीका जीने का, यही तरीका पावरफुल होने का, यही तरीका अपना काम निकलवाने का। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम वैसी पैदाइश इस दुनिया में, वैसी यूथ, वैसे लोग हम इस दुनिया में ना लेके आए, या उनको हम परिवर्तन करें सच्ची शिक्षा दे करके। तो आज के ईश्वर वर्तन, अगर आपको कोई अच्छा कमेंट लगे, अगर आपको अपने शेयर करना एक्सपीरियंस, तो आप उसमें येस नो छोटे वर्ड्स कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको जरूर शेयर करिए औरों के साथ में। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, आपका दिन सफल हो। ओम शांति।